आज हम बनाएंगे मैंगो से बनी तीन ऐसी रेसिपीज़ जो कि फायरलेस हैं, बहुत ही टेस्टी हैं और फटाफट बनकर रेडी होने वाली हैं। बड़े क्या बच्चे भी इसे बना सकते हैं। वेलकम टू शेफाली की दावत। से पहले बनाएंगे मैंगो सालसा। उसके लिए हम एक बाउल में लेंगे 1 चॉप्ड किया हुआ मैंगो, 1/2 अनार के दाने, 1 चॉप्ड किया हुआ अनियन, 1 चॉप्ड किया हुआ टमाटो और 1 ग्रीन चिली चॉप की हुई। अब साथ ही इसमें ऐड करेंगे पीनट्स रोस्ट किए हुए, चॉप्ड कोरिएंडर और जूस ऑफ 1 लेमन। साथ में 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो सालसा का मज़ा तो किसी ना किसी चीज़ के साथ खाने में ही है। आप इसे चिप्स वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पर मैं इन्हें इस तरह से बड़े वाले ग्लासेस में भर के इनको नाचोस के साथ सर्व करूँगी। तो है ना मज़ेदार रेसिपी जो कि 2 मिनट में बनकर रेडी और खाने वाले बहुत खुश। ये अब बनाते हैं मैंगो पुडिंग। उसके लिए चॉप्ड मैंगो, क्रीम और शुगर ली है मैंने। सबसे पहले मिक्सी में चॉप्ड मैंगो और शुगर डाल के इसकी एक प्योरी तैयार कर लेंगे। अब इसमें से 2 चम्मच मैं अलग निकाल लूँगी डेकोरेशन के लिए। अब इसमें जो 100 ग्राम मैंने फ्रेश क्रीम ली है वो ऐड करेंगे और इसको भी बीट कर लेंगे। ये देखिए कितनी फ्लफ़ी स्मूथ बनी है। अब आइए हम जो है हमारी पुडिंग को असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले नीचे मैं क्रीम वाली जो प्यूरी है वो लेंगे, फिर मैरी का बिस्किट लिया है उसे दूध में डिप करके इस तरह से सेंटर में रखेंगे और ऊपर से डालेंगे इसके चॉप्ड किए हुए मैंगोस। आप चाहें तो और फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंगो का सीज़न है तो मैंगो ही अच्छा लगता है। उसके ऊपर फिर से हम एक बिस्किट डाल देंगे। ये टूट गया है बट कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम मैंगो प्यूरी डालेंगे तो ये कवर हो जाएगा। तो अच्छे से हर तरफ से इसे कवर कर देंगे। अब जो हमने बिना क्रीम की मैंगो प्यूरी रखी थी उसको इस तरह से छोटे बड़े जिस तरह से भी आप चाहें ड्रॉप्स रख सकते हैं। इससे हम क्या है कि इसको बहुत सुंदर से लुक दे देंगे। अब इसे टूथपिक से इस तरह गोल गोल घुमाते हुए इस पर एक डिज़ाइन बना लेंगे। आप चाहें तो कैसे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी मैंगो पुडिंग बनकर रेडी है। आइए अब हम बनाते हैं हमारा मैंगो जूस। सबसे पहले मिक्सी में डालेंगे हमारा पका हुआ आम, उसके साथ ही ऐड करेंगे 1/2 कच्चा आम और साथ में पुदीने के कुछ पत्ते लिए हैं, 1 टेबल स्पून काला नमक और 2 कप भर के पानी के ऐड कर देंगे। नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कच्चा आम खट्टा ही होता है। तो इसे बीट कर लेंगे। ये हमारा मैंगो जूस बनकर रेडी है। अगर आप इसका मोजीतो बनाना चाहें तो इसे 2 ग्लासेस में ऐड करके बाद में सोडा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा मैंगो जूस जो है फटाफट से बनकर रेडी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।